नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। देखिए दर्शकों, 23 सितंबर की सुबह बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। युवराज ग्रह बुध अपने उच्च राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं 23 सितंबर की सुबह 10:08 पर। बुध का ये गोचर रहेगा अगले महीने 10 अक्टूबर तक, यानी लगभग 18 दिनों का ये समय रहेगा जहां पर बुध अपने उच्च राशि में रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से बात करेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बुध का ये उच्च राशि में जाना आपके लिए बहुत ही बड़े लाभ करवाने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो बुध का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा, थर्ड हाउस में। यहाँ पर आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण होगा, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। कम्युनिकेशन से आपको बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, किसी प्रकार की दलाली का काम है आपका, मैनेजमेंट का काम है, तो ये समय बहुत यादगार रहेगा, अच्छे आपको लाभ होंगे। मीडिया फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी अच्छी स्थिति है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी बड़े लाभ होने वाले हैं। इसके बाद दर्शकों, यहाँ पर ये एक ऐसा समय रहेगा जहाँ पर समाज में आपका नाम होगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे, अच्छी स्थिति बनी हुई है आपके लिए। देखिए, यात्राओं के भी योग बनेंगे, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, कोई कागजी कार्यवाही में दिक्कत आ रही है तो अब वो दूर होगी और आपके विदेश जाने का सपना पूरा होगा। इसके अलावा दर्शकों, धर्म से जुड़ने का भी ये समय रहेगा, यहाँ पर धार्मिक यात्रा के भी योग प्रबल बन रहे हैं, आप तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं इन 18 दिनों के बीच, बहुत अच्छा अवसर आपको मिल सकता है धार्मिक स्थानों पर जाने का। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनको भी बहुत बड़े प्रॉफिट होने वाले हैं, अच्छा समय है आपके लिए। आगे देखा जाए दर्शकों, तो यहाँ पर देखिए आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। अगर आपके रिश्ते में कोई खटास चल रही थी, मतभेद थे, तो वो दूर होंगे, जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, आपका रिश्ता मजबूत होगा, पहले से अच्छा रिश्ता आपका बनेगा। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो बस आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई एलर्जी हो सकती है, त्वचा जन्य रोग परेशान कर सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। और हर मामले में ये समय आपके लिए पक्ष में रहेगा, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, बुध से संबंधित बिजनेस आपका है तो फिर तो आप झंडे गाड़ देंगे, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। कुल मिलाकर अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए, इन 18 दिनों का लाभ उठाइए, बैठे बैठे इस समय को गवाइए मत, जितना हो सके जो भी आपको अपॉर्चुनिटियाँ मिले उनका लाभ उठाइए, ग्रैब करिए अपॉर्चुनिटी को, ये समय यादगार बन जाएगा। एक उपाय जरूर करिए कि गणेश जी को दुर्वा अर्पित करवाइए, हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, अपने हाथों से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, इससे भी बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए इतने दर्शकों, जय श्री कृष्ण।